अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपसे मटन कुन्ना की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, और उसके लिए ये मैंने 1.5 किलो जो है मटन की मछलियाँ ले ली हैं। आप इसको मिक्स गोश्त में भी पका सकते हैं मटन के, लेकिन जो इसकी अथेंटिक रेसिपी है वो मटन की मछलियों में बनती है। तो ये 1.5 किलो मेरे पास गोश्त है, उसके साथ मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का इस्तेमाल करूँगी। ये एक पोथी लहसुन की है बड़ी, और अदरक मैंने ले ली है। उसके साथ ये कुछ साबुत मसाला जात है, दही है, और ये है हमारे पास प्याज। तो सबसे पहले हम प्याज को और जो ये लहसुन अदरक मेरे पास है इसको हम अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि जब हम ये ग्राइंड कर लेंगे तो जो हमारी ग्रेवी बनेगी वो बहुत फाइन ग्रेवी होगी। आप ऐसे भी प्याज को उसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी ग्रेवी आपकी बनती है जब आप प्याज को ग्राइंड करके इस्तेमाल करते हैं। और ये जो रेसिपी है ये मैंने एक बहुत ही अच्छे शेफ़ से बनानी सीखी हुई है, जो कि कुन्ना स्पेशलिस्ट के तौर पे एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर देखें और मेरे साथ रहें, ताकि आप इस बेहतरीन सी रेसिपी को अपने घरों में इंजॉय कर सकें। तो मैं सबसे पहले जो है ये लहसुन अदरक को ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर हम अपनी कुकिंग को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपनी कुकिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पतीली के अंदर जो है वो 1 कप ऑयल का ले लेंगे। इसमें ऑयल ज़रा खुला इस्तेमाल होता है, ताकि इसकी ग्रेवी एक अच्छी सी बन सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो 1.5 किलो मटन की मछलियाँ हैं वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप इसको मिक्स गोश्त से भी बना सकते हैं मटन के, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि मछलियाँ ही हों। बेसिकली रेसिपी जो है वो एक अच्छी बननी चाहिए, इसकी अथेंटिसिटी जो है वो इसी में है कि ये मछली के गोश्त से बने। लेकिन आप बड़े पीसेस में रख के मटन का कोई भी पार्ट मिक्स प्लेटर भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो आपने इसके अंदर जो है वो मछलियाँ सारी शामिल कर देनी है। उसके साथ ही हम इसके अंदर साबुत खड़े मसाले डालेंगे। इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून हमने ये काली मिर्चें साबुत ले ली हैं, 5 हमने लौंगे ले लिए, और 1 दालचीनी का टुकड़ा ये हम इसके अंदर डाल देंगे। एक छोटी प्याली हमने इसमें दही का इस्तेमाल करना है। ये छोटी प्याली मेरे पास दही की है, ये एक छोटी प्याली हम इसमें दही शामिल कर देंगे। और ये जो हमने 2 प्याज और लहसुन अदरक का मसाला बना के ग्राइंड किया है, इस सारे को हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है। अभी मैंने पतीली के नीचे चूल्हा बिल्कुल नहीं जलाया है, सब चीज़ें हम डाल दें उसके बाद फिर हम इसकी फ्लेम को ऑन करते हैं। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर जो है वो अपने तमाम ड्राई मसाला जात वो शामिल कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून सॉल्ट का, इसमें आप आधी टी स्पून हल्दी ले लें, 1 टीस्पून आपने पिसी हुई लाल मिर्चों का लेना है, और 1 टीस्पून ही आपने इसके अंदर देही मिर्चों का इस्तेमाल करना है। ये 1 टीस्पून हमने इसके अंदर देही मिर्चें डाल देनी है, ये हमने भर के इस्तेमाल करनी है। और अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे और इसकी फ्लेम को ऑन करेंगे। ये जी, अब इसके अंदर हमने 1 से 1.5 लीटर जो है वो पानी वो शामिल कर देना है। ये मेरे पास 1 लीटर पानी है, जो कि मुझे तकरीबन काफ़ी लग रहा है पकने के लिए। इस तमाम चीज़ों को हमने जो है वो 1 घंटे के लिए इसको दम पे पकाना है, और फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर हमने और क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। इसको मैंने मिक्स बिल्कुल भी नहीं किया, ये सब कुछ इसी तरह जिस तरह मैंने डाला था। अब मैं आपको 1 घंटे के बाद जो है वो इसकी शक्ल दिखाती हूँ। ये जी, मैंने इसका ढकना ढक दिया है। ये 1 घंटे तक अब हमारा मीट जो है इन तमाम चीज़ों के साथ पकता है, और फिर हम देखते हैं कि ये कैसा हुआ है। ये 50% डन होगा इसके अंदर, उसके बाद हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे और इसे पकाएंगे। ये जी, हमारी जो कुन्ना है इसको पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है, बल्कि 1 घंटे से कोई 5-7 मिनट ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो अब हम इसको खोलते हैं। माशाल्लाह से ये काफ़ी हद तक इसका जो गोश्त है वो गल चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये गल गया। अब हम इसके अंदर जो है वो आटा शामिल करेंगे। इसमें थोड़ी सी कसर होगी गोश्त में, जो कि अभी आटे के साथ पकेगा तो इंशाल्लाह ताला वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो अभी हम आटा इसका घोल बनाते हैं और इसमें हम आटा शामिल करते हैं। ये जी, मैंने आटा ले लिया है। ये मेरे पास सर्विंग स्पून है, ये 2 सर्विंग स्पून हमने आटा लिया है। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका घोल बना लेंगे,
और इसको एक दफ़ा छान लेंगे और फिर उसके बाद हम अपने सालन में इसको शामिल करेंगे। ये हमने बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना और बहुत पतला भी नहीं करना, क्योंकि ये निहारी नहीं है कि बहुत ज़्यादा थिक होगी। तो ये हम सिर्फ इसका घोल बनाएंगे पानी के साथ अच्छी तरह से, और इसको हम फिर अपने सालन में शामिल करेंगे। इसको छान लेंगे एक दफ़ा, ताकि आटे में अगर कोई थोड़े बहुत लम्स हैं तो वो भी ख़त्म हो जाए, और हमारा जो शोरबा है उसकी गाढ़ा भी ये कर दे आराम से। और ये पकेगा इसके साथ काफ़ी टाइम, तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट आटा डल के ये पकेगा, ताकि आटे का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो, और फिर उसके बाद हम इसको मज़ीद दम पे रखेंगे और एक दो चीज़ें हमारी रह गई हैं वो हमने इसमें शामिल करनी है। ये अब हमने एक छन्नी ले ली है, इसके अंदर ये जो मैंने घोल बनाया है इसको मैं डालूंगी, ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह हों तो वो सब इसके अंदर निकल जाएंगे, और इसका एक स्मूथ सा जो है आटे का पानी वो नीचे चला जाएगा। तो ये देखें, ये आटा सारा मैं इस तरह करके छान लूँगी, और ये जो नीचे इसके पानी आएगा ये हम अपने इसमें शामिल करेंगे कुन्ने के अंदर। ये आप देखिए, इतना सारा जो आटे के लम्स थे वो सब निकल गए हैं, और ये इसका पानी आ गया जो कि आटा है, इसको अब हम शामिल करते हैं। ये जी, हमने आटे का घोल जो बना हुआ है अब इसको अपने सालन में शामिल करना है। इसको हम थोड़ा सा डालेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम इसमें चमचा चला देंगे। ये बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इसको पकना चाहिए, और निहारी की तरह बहुत सख्त भी ना हो और ये पतला भी ना हो, इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये भी पकेगा तकरीबन 10-1 मिनट तेज़ आंच के ऊपर, और उसके बाद फिर हम इसको दम पे रखेंगे थोड़ी सी और चीज़ों को शामिल करके। इसमें थोड़ा सा मैं घोल और डाल रही हूँ, और ये बस काफ़ी है इतना इसके अंदर, और इसके अंदर लम्स नहीं बनने चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी ये होगी। और अब मैं इसको पकाऊंगी, ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा अभी पकने में, लेकिन आपने घबराना नहीं है, ये जब थोड़ा सा पक जाएगा तो उसके बाद ये खुद ही थोड़ा सा पतला पतला होने लग जाएगा। इसको 10 मिनट हम तेज़ आंच पे पकाएंगे, ताकि जो है ना इसकी सारे जो कच्चापन है आटे का वो इसमें ख़त्म हो जाए। ये जी, मुझे अपने कुन्ने को पकाते हुए तेज़ आंच पे 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसकी आंच को बिल्कुल स्लो कर दूंगी दम वाली, और इसके अंदर जो इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है काला ज़ीरा। काला ज़ीरा मैं अब इसके अंदर शामिल करूंगी, 1 टेबलस्पून ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, और अब ये बिल्कुल हल्की आँच पर पकेगा और इसका जो है वो सारा ऑयल निकलेगा। तो मैं 10 मिनट तक इसको जो है वो दम पे रखूँगी, 10-15 मिनट के लिए, ताकि इसका सारा ऑयल निकल आए। और ये मेरे पास है गरम मसाला, ये मेरा अपना पिसा हुआ गरम मसाला है, इसके अंदर जायफल जावित्री सब चीज़ें शामिल हैं, तो मैंने अलग से नहीं डाली, इसी के अंदर से मैं इसको ये डाल के तो यही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये अभी पकेगा, ये दम पे रहेगा, ये इतनी हल्की आँच के ऊपर पकता रहेगा, तो फिर मैं एंड पर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये जी, हमारे इस कुन्ने को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया, आप देख सकते हैं कि इसका सारा ऑयल जो है वो खिंच के ऊपर आ गया है, और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत गाढ़ी नहीं है, इस कंसिस्टेंसी में ये है। तो जितना मैंने आपको बताया है कि आपने इसमें आटा शामिल करना, आपने उतना ही करना, और इसको आप पकाएँगे तो ये खुद ही थोड़ा सा नॉर्मल होके पतला हो जाएगा। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये जी, हमारे मटन कुन्ने की जो है ये फ़ाइनल लुक है, आप इसको देख सकते हैं। ये बहुत मज़े का बनता है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और आपको कोई भी न्यू रेसिपी चाहिए हो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जो है वो शेयर करूँगी बना के। और इस रेसिपी को इंजॉय करें सर्दियों के मौसम में। थैंक यू।